ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 के ग्रीवेंसेस के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू CDS, NDA, AFCAD, INET एंड टाइटल आर्मी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कहानी अब तक की ये हो चुकी है कि मुगल एम्पायर टूट गया है इन सभी रियासतों में और इंग्लिश ने इन सभी यूरोपियंस को जो उसके साथ आए थे भगा दिया है और 1857 का रिवोल्ट हो चुका है। पर 1857 के रिवोल्ट में कॉमन मैन भिड़ा था अंग्रेजों से। क्यों भिड़ा था इस बारे में हम कहानी समझेंगे और वो कॉमन मैन कौन थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉमन मैन की कहानी अगर हम कहें तो कॉमन मैन में आते हैं ये सब लोग। कौन है ये? पीजेंट, जमींदार, आर्टिशियंस, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडर्स, ट्राइबल्स, सिपाही, प्रिंसेस, रिलीजियस ग्रुप। इसमें पीजेंट्स कौन होते हैं? जिन्हें आज हम फार्मर्स कहते हैं वो पीजेंट्स होते हैं। जमींदार कौन होता है? वो होता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की चीज का? उस लैंड का जिसपे फसल उग रही है। ये पूरी कहानी में ये दो मेन टर्म्स हैं, ये आपको समझने हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ में जी रहे थे। अब आगे चलते हैं। पहली कहानी आती है जमींदारी सिस्टम की। जमींदारी सिस्टम एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। अब इसमें क्या होता है, जो जमींदार होता है उससे कहा जाता है कि आपका काम है कि ये जो लैंड आपकी है इससे आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है? 60-40 फॉर्मेट में। 60-40 फॉर्मेट में क्या होता है, जो 60% होता है उसमें से 40% जो होता है वो ब्रिटिश के पास जाता है और इसका जो 20% होता है वो जमींदार रख लेता है। पर ये 60% आना ही आना है ये अंग्रेजों ने कह रखा है। ये जो बात लाए थे ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस लाए थे 1798 में और इसका आइडिया दिया था जॉन शो ने। ये बेसिकली कहाँ होता था? बंगाल, उड़ीसा, बिहार वाले एरिया में। अब इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अब जरा इस बात को बेसिक फॉर्मेट में समझो। अब मान लो एक दुकान है आपके पास जिसका भाड़ा है 10,000 और आपकी जो कमाई होती है उस दुकान से वो होती है 15,000 और आप एक शादीशुदा इंसान है। तो अगर आप मैं 10,000 से 15,000 में घटाऊं, डिफरेंस निकालूं, तो वो निकलेगा 5,000 रुपए का। अब उस 5,000 रुपए में आपको अपने घर की जरूरतें पूरी करनी होंगी, राइट? बच्चों को पढ़ाना है, खाना खाना है, उनके कपड़े लाने हैं, जो भी है। तो क्या आपके पास पैसे बचेंगे कि आप उस जो दुकान है उसमें कुछ बेहतर कर सके, रेनोवेट करा सके, नया सामान ला कर सके? नहीं, वो दुकान जैसी चल रही है आप वैसी चलाते रहेंगे रोध होके। और हो सकता है कभी 5,000 का डिफरेंस आ रहा हो, कभी ना आ रहा हो, कभी आपकी कमाई 15,000 की हो रही है, कभी 13,000 की हो रही है, कभी 12,000 की हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए अपना घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है और वो जो दुकान है उसको भी चलाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, पर उसकी मजबूरी उसे चलाना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर यही हो रहा था। जमींदार से कह दिया गया था कि तुम्हें हर हाल में 60% लेकर ही आना है चाहे कुछ हो जाए। अब इसमें हम और देखेंगे तकलीफें और क्या क्या आई। पहले हम दूसरा सिस्टम समझते हैं। दूसरा सिस्टम है रैयतवादी सिस्टम। रैयतवादी सिस्टम था आइडिया ऑफ रेड एंड मुनरो। इन्होंने क्या करा, जो रीजन थे मद्रास के या साउथ में जो रीजन हैं जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वहां पर कोई जमींदार नहीं हुआ करता था, मतलब कोई लैंडलॉर्ड नहीं होता था कि जो जमीन के ऊपर मालिक बैठा हो। वहां पर सीधे छोटे छोटे किसान हुआ करते थे। अब उन किसान से डायरेक्टली ब्रिटिश ने एक समझौता कर लिया कि हम 50% लेंगे तुम्हारे पूरे रेवेन्यू का। 50% सोचिए, देखिए 10,000 की अगर कमाई है तो 5,000 रुपये खा गया। तो फिर वही सवाल आ जाता था जो पहले जमींदारी सिस्टम में हो रहा था कि भाई जरूरी नहीं है ना कि 5,000 की सेल हो रही हो, 3,000 की भी हो सकती है, 2,000 की भी हो सकती है। तो अगर वो आपको अपना 50% दे देगा तो अच्छे बीज कहाँ से लाएगा, जमीन को फर्टाइल करने के लिए खाद कहाँ से लाएगा, ये सारी डिफिकल्टी उसके लिए होगी। पर अंग्रेजों ने तो बाइंड कर दिया था कि हमें इतने पैसे चाहिए ही चाहिए, तो इनकी हालत हो रही थी खराब। अब इसमें तीसरा सिस्टम होता है, महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम कहाँ पर होता है? वो होता है मध्य प्रदेश वाले एरिया में, उसे हम पहले कहते थे सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंशियल, पंजाब, अवध। अवध कौन सा एरिया? यूपी वाला एरिया। अब इन एरिया में क्या हुआ करता था कि बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, मतलब पूरा एक गांव किसी एक लैंडलॉर्ड के अंदर आ रहा है, या बहुत सारी ज़मीनें, मतलब 10-15 ज़मीनें एक साथ लैंडलॉर्ड के अंदर आ रही हैं। तो डायरेक्टली उनसे कह दिया जाता था कि देखो सुनो, तुम्हें हमारे लिए पैसे इकट्ठा करना है वही 60-40 फॉर्मेट में। अब यहाँ पर पैसे की रकम बहुत मोटी हो जाया करती थी, क्योंकि एक पूरा गाँव अगर किसी लैंडलॉर्ड के अंदर आ रहा है तो वो तो अच्छा खासा 20% निकाल सकता है ना अपना, और उसको कैसे भी निकालना ही निकालना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ब्रिटिश ने कहा कि हमें 60% में से 40% चाहिए और 40% कितना होगा? 30,000 रुपये।
अब 30,000 रुपए तो उसको देने ही देने अंग्रेजों को। अब उसका जो बात बीच में जो 20% बच रहा है वो उसे निकालना ही निकालना है। अगर वो नहीं निकालेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? तो वो चाहे किसानों पे जुल्म ढाए, मारे पीटे, अंग्रेज उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। अब यहां पर अगर बात समझो तो कंक्लूजन समझो कहां पर क्या हो रहा था। सबसे पहले हमने समझा जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम हो रहा था यहाँ बंगाल वाले एरिया में। उसके बाद आ रहा था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी हो रहा था यहां पर साउथ में। अब आखिरी में जो सिस्टम था वो था मालवाड़ी सिस्टम। वो कहाँ हो रहा था? यहाँ वाले एरिया में और यहाँ वाले एरिया में। इन तीनों एरिया को इस तरह से डिवाइड कर दिया था कहीं ना कहीं बस ब्रिटिश को अपना रेवेन्यू जनरेट होता हुआ मिले। यहां तक की कहानी खत्म हो गई किसानों के ऊपर। अब इसमें अगर हम आगे चलें, किसानों के साथ और भी कई प्रॉब्लम थी। ये तो खाली रेवेन्यू देने वाली बात हो गई। अब मान के चलो कभी ऐसा हो गया कि फेमीन आ गई, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, तब क्या भाई? कई ऐसा आपने लगान मूवी देखी होगी। लगान मूवी में एक सीन रहता है जिसमें फार्मर्स अपना लगान दे नहीं पाते, मतलब रेवेन्यू टैक्स नहीं दे पाते। तो क्या कहते हैं कि नहीं इतने तो देने ही देने हैं। तो बाई चांस तो वहां तो शर्त लग जाती है क्रिकेट की कि अगर क्रिकेट में तुम जीत गए तो तुम्हें माफ कर देंगे। बट वहां पर एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता था। उन्हें चाहे कुछ करना पड़े वो पैसा देते थे। चाहे पेट काटो, तुम 2 वक्त का खाना मत खाओ, महीने भर बिना खाए मर जाओ, उनको देना ही देना पड़ता था। इसके ऊपर एक मुसीबत और थी, उनको ये इंडिगो नाम की क्रॉप ना उगानी ही पड़ती थी। और इस इंडिगो नाम की क्रॉप में एक सबसे घटिया बात ये होती थी कि ये एक बार उगा दो तो लैंड को फर्टाइल जो फर्टिलिटी होती है वो छीन लेती है उससे, और ये बहुत दिक्कत हो रही थी। अब मान लो इसमें एक और बड़ी खतरनाक बात हुआ करती थी कि जैसे जमींदार है, ठीक है, वो जुल्म तो ढा ही रहा है कि भाई तुम चाहे फसल उगे या ना उगे तुम्हें हमें पैसे देने ही देने हैं, ठीक। अगर मान लो जमींदार किसी वजह से पैसे इकट्ठे ना कर पाए, वो जो 40% अंग्रेजों को देने हैं, तो अंग्रेजों ने एक सिस्टम बना रखा था कि अगर मान लो तुमने इतने पैसे हमें नहीं दिए तो तुम्हारा जो जमींदारी का सिस्टम है ना ये उठा के हम किसी को बेच देंगे, तो तुमसे एकदम जमीन पे आ जाओगे, तुम्हारी औकात भी रहेगी कुछ। तो यहाँ पर भी बहुत दिक्कत थी, जमींदार भी अपनी मुसीबत में फंसे हुए थे। और मान लो फार्मर्स को तो डायरेक्टली पैसे जमींदार को देने ना, तो फार्मर्स को क्या लगता है कि सारे पैसे किसको मिलने हैं? जमींदार को, क्योंकि वो तो कोठी में रह रहा है, दूध खा रहा है, मक्खन खा रहा है, तो सारे पैसे उसे मिल रहे हैं। तो उनके जो झगड़े थे किसानों के वो भी वही सुन रहा था, उनकी गालियां भी वही खा रहा था, तो उसका भी कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। ये एक बहुत दिक्कत थी। अब इस मीन माइल में एक चीज और हुई, वो क्या होती थी कि जैसे जमींदार है, फिर एक उसके नीचे आ रहा है फार्मर, और उसके नीचे फार्मर क्या करता था, एक और फार्मर को लैंड कर लेता, एक और फार्मर को रख लिया करता था। उससे क्या होता था, मान लो इसका डायरेक्टली रेवेन्यू इस वाले फार्मर से आ रहा है, समझ रहे हो आप बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये वाला फार्मर अब खेती बाड़ी कर रहा है और ये बैठ के अब खा रहा है, तो मान लो इसको 40% मिल रहा है तो ये उसका उसका 20% दिया करता था। और मान लो इस वाले फार्मर ने भी अक्ल लगाई कि यार जब बैठे बैठे खाना है तो मैं एक और फार्मर रख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको 10% दे रहा है और ये 10% खा रहा है। तो सोच के देखो जो सबसे बिलो लाइन में जो फार्मर हुआ करता था उसे तो कुछ मिलता ही नहीं था, मतलब वो 1,000 रुपए में ही अपना महीना गुजार रखा है। आज सोच के देखो अगर मैं कहूँ आप 1,000 रुपए में अपना महीना गुजार लो, कैसे गुजारोगे? एक वक्त का खाना आपका 100 रुपए का होता है, 3 वक्त का करो 300 रुपए का हो जाता है। अगर मैं उसे 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो करीबन 10,000 रुपए का तक का आपका सिर्फ खाना खाने का खर्चा है। तो उसी वक्त जब आप किसी का खाने का खर्चा भी छीन लोगे तो जिएगा कैसे? और वहीं आती थी डेथ की बात, जो वो डेथ वाली बात आती थी ना कि फार्मर डेथ कर रहे हैं, वो वहीं से जन्म लिया कि जो जमींदार थे वो उनपे बहुत फोर्स करते थे। और यही कहानी नहीं होती थी। अब मान लो कोई फार्मर है जिसके पास खुद की लैंड है, ठीक है, अब उसके पास अपनी खुद की लैंड होने के बाद तो वो अपनी खेती बाड़ी करेगा, खुद ही रेवेन्यू जनरेट करेगा, खुद ही बेच देगा, ठीक। बट यहाँ पर अक्ल लगाई जाती थी। जो मनी लेंडर होते थे, या मैं कहूँ लैंडलॉर्ड होते थे या जमींदार होते थे, वो क्या करते थे कि एक काम करो जैसे आज चाइना करता है कि आप हमसे लोन ले लो जो आपको चाहिए, ठीक है, और वो बहुत ही आराम से लोन दे देते थे, कोई शर्त नहीं कुछ नहीं। बट जो उसका इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत हाई होता था, जिसकी वजह से वो पैसे जो फार्मर होते थे वापस नहीं कर पाते थे। अब फार्मर जब वापस नहीं कर पाते थे तो उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ती थी जमींदार को या मनी लेंडर को। अब सीधे वो अकाउंटेबल किसके हो गए? जमींदार के। और वो पूरी जिंदगी नौकर बन के रहते थे क्योंकि उन्हें वो लोन चुकाना होता था। आपने मूवीज में देखा होगा जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया,
किसान का बच्चा किसान ही बन रहा है क्योंकि उसको मजदूरी करनी है और वो मजदूरी ही फॉर्मेट में जी रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये उस टाइम से चली आ रही थी जो आज हम मूवीज में देखते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन पे। देखो पहले क्या होता था, राजा महाराजा अपने दरबार में आर्टिस्ट को बुलाया करते थे कि आओ और वहां पर हमें कुछ प्रदर्शन करो, कुछ दिखाओ, अपनी कला दिखाओ और हम आपको गिफ्ट देंगे या कुछ हम आपको इनाम देंगे, तनख्वाह देंगे, जो भी है। बट क्योंकि ये जो आर्टिस्ट हुआ करते थे इनकी भी अब कोई सुनने वाला नहीं, तो भाई कोई राजा नहीं बचा, कोई कुछ नहीं बचा, तो ये भी मजबूरी फार्मर बन जाते हैं, मतलब पीजेंट बन जाते हैं। और पीजेंट की हालत तो ऑलरेडी खराब थी, तो ये भी इनके अंदर गुस्सा भरता जा रहा है। आप देख रहे हो पीजेंट का गुस्सा भर रहा है, आर्टिस्ट का गुस्सा बढ़ रहा है, जमींदार का गुस्सा बढ़ रहा है। अब आते हैं इसमें क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन ये है जो जैसे मटकी बना दी, कारपेट बना दिया, बैम्बू के जो स्टिक से टोपियां होती हैं ये बना दी है। ये बनाने वाले लोग पहले काफी पैसा कमाया करते थे जब अकबर, औरंगजेब ये सब हुआ करते थे, क्योंकि ये जो राजा थे ये हिंदुस्तान के राजा इस बात की श्योरिटी रखते थे कि यहाँ से चीज बन के बाहर जाए, देश के बाहर जाए, और इससे फिर रेवेन्यू जनरेट होता था। पर अंग्रेज क्या करते थे कि रॉ मटेरियल तो यहाँ से ले लेते थे, उसे ब्रिटिश भेज देते थे और वहां पर मशीनों से बनाकर वापस इंडिया लाते थे और उसको बेच दिया करते थे। अगर मान लो यहाँ पर कोई फिनिश गुड बनाए इंडिया में तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई कर देते थे, जिस वजह से उसका माल बिकता नहीं था बाहर, और ये दिक्कत उन्हें बहुत ज्यादा फेस हो रही थी, और जिसकी वजह से क्राफ्टमैन जो थे वो डेप्थ में आते जा रहे थे और उनके लिए आगे स्टेगनेंट करना बहुत मुश्किल था। और यही वो दौर था कि कई आर्टिस्ट के जो फॉर्मेट हैं कि अपनी कला को प्रदर्शन करना वो लुप्त होते जा रहे थे, और क्राफ्टमैन की जो एक नई कला होती है वो भी गायब होती जा रही थी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बात ट्रेडर्स पे। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ अंग्रेज क्या करते थे, रॉ मटेरियल ही बाहर भेजने देते थे, फिनिश गुड नहीं भेजने देते थे। अब मान लो जो बना रहा है और जो खरीद रहा है उसके बीच में आता है ट्रेडर। अगर मान लो बनाने वाले को ट्रेडर बेच ही नहीं पाएगा कि भाई क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई है, मान लो एक चीज 5 रुपए में बनी वो बिक रही है 30 रुपए में, तो खरीदने वाले के लिए बहुत दिक्कत आएगी, जिसकी कीमत खाली 5 रुपए में है मैं उसे 30 रुपए में क्यों दूं, और जबकि वो ही चीज मार्केट में दूसरी 10 रुपए में मिल रही है। तो ट्रेडर जो थे, इंडियन ट्रेडर्स, उनको भी बहुत लॉस हो रहा था, तो गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था सभी लोगों का, जो सभी सभी क्राइटेरिया के लोगों के गुस्से बढ़ते जा रहे थे। अब आते हैं आखिरी ट्राइबल। अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ कि हिंदुस्तान बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, स्पेशली वुड और जंगलों से, तो उस वुड और जंगल या उस एरिया का इस्तेमाल वो करना चाहते थे। आप जैसे यहाँ पर ये एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप फोटो में, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसे एक्सपेंड करते थे कि भाई फैक्ट्री लगानी है, चलो जंगल को साफ कर दो, ये वुड को साफ कर दो, हम ये वुड जाकर अंग्रेजों के साथ बेचेंगे, यूरोप में जाके बेचेंगे। तो इसमें बहुत ही दिक्कत आई थी ट्राइबल्स को, क्योंकि वो तो जंगल में ही रहते थे। अब अगर आप किसी का घर ही छीन लोगे तो वो तो आपसे लड़ पड़ेगा ना, और यहाँ पर ट्राइबल वालों का भी गुस्सा बढ़ता जाता है इस वजह से। अब आगे चलें तो अब आती है सिपाही की बारी। सिपाही कौन थे? सिपाही थे उन लोगों को कहा जाता था जो इंडियन सोल्जर्स अंग्रेजों के लिए काम करते थे, और उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी थी। सबसे पहले दिक्कत ये थी कि उनका प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। जैसे आज के रैंक में क्या होता है कि मान लो कोई सिपाही रैंक पे भर्ती हुआ है, तो अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो उसको लेफ्टिनेंट तक भी बनने का मौका मिलता है इंडियन आर्मी में। बट अंग्रेजों के टाइम में ऐसा नहीं था, वो खाली मैक्स टू मैक्स सूबेदार बन सकते थे, तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उनके रिलीजियस वैल्यू की भी बहुत ही धज्जी उड़ा दी जाती थी। आपने सुना होगा 1857 के टाइम में जो कारतूज हुआ करता था, जिसे वो मुंह से छीला करते थे। कारतूज आप समझ लीजिए, जैसे आज हम गन लोड करते हैं ना, तो गन लोड करने का एक तरीका होता था जिसमें कारतूज चीज इस्तेमाल करते थे, तो उसमें या तो गाय का मांस या जो सुअर होता है, सुअर का मांस माल होता था, तो ये बहुत कंफ्यूजन था गाय का मांस हो रहा है या सुअर का मांस हो रहा है। तो ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हिंदू के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम के लिए जो सुअर है वो हराम है। तो जब ये ऐसी बातें हो जाती हैं तो ये दोनों इस बात से दूर जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं राइवलरी बन जाती है, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है सिपाही की वो हिंदू और मुसलमान की थी ब्रिटिश ब्रिटिश फोर्स में। यहां तक की कहानी हो जाती है। तीसरी बात यह होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो अवध होता है।
अवध जो एरिया होता है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है। क्यों, रीजन क्या है? अवध कौन सा एरिया है? अवध है हमारा यूपी, यूपी बिहार। यूपी बिहार वाला एरिया प्लेन एरिया है, और प्लेन या फर्टाइल एरिया में लोग सेटल होकर आना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसी वजह से आप देखोगे यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी। और यहाँ पर इन लोगों की जो जमीन थी वो छीन ली गई, इन लोगों पर राज करा जा रहा था, इन लोगों पर जुर्म ठहराया जा रहा था, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी परेशान थे। तो यहाँ से कहानी अगर आगे बढ़े तो आती रिलीजियस ग्रुप की। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या करा कि भाई हमारे देश में कई टाइप के रिलीजन थे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें एक चीज आई थी क्रिश्चियनिटी। और जो क्रिश्चियनिटी अंग्रेज ला रहे थे वो फोर्सफुली ला रहे थे कि ये आपको मानना ही मानना है, जो इसे नहीं मानेगा उसको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, उसको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो इस बात से रिलीजियस ग्रुप भी बहुत ज्यादा परेशान थे, और उनके दिमाग में गुस्सा भर रहा था कि ये तो हमारे जो कल्चर है, ये रिलीजन है, इसको खत्म कर देंगे और कभी बचेगा ही नहीं ऐसे। तो अब यहां पर इनकी बहुत बड़ी दिक्कत। अच्छा, एक बात और थी, एक थी सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है कि जिसमें एक औरत को जहां पर उसका आदमी जलाया जा रहा होता है उसके ऊपर बिठा दिया जाता है जिंदा, जिस वजह से वो औरत भी उस आदमी के साथ मर जाती है। और ये प्रथा अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, जिसके वजह से उन्हें हटा दिया इसे। बट कहीं ना कहीं जो हिंदू थे उनको ये लगा कि वो उनकी प्रथा को क्यों ऐसे मार रहे हैं, जो सालों से होती आ रही है वो क्यों हो रही है। सती आज कानूनी तौर पे बैन है वैसे, और ये बात ठीक भी है कि इसे बैन भी होना चाहिए, बट ये बात कहीं ना कहीं उस टाइम के जो हिंदू फॉलोअर्स थे उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद क्या था, मिक्सिंग ऑफ वेरियस कास्ट इन आर्मी। देखिए, कहीं ना कहीं जब आप एक साथ किसी चीज को, मैं कहूँ एक ग्रुप में लोगों को खड़ा कर दूं, क्या आप बता सकते हो कि उसमें किसकी कास्ट क्या है? आप नहीं बता सकते दूर से खड़े होकर कि वो हिंदू है, मतलब जाट है, या बनिया है, या क्षत्रिय है, या दलित है, क्या है। तो यही था, आर्मी में उनके सब लोग एक साथ ही आ गए थे, कोई जाट है, कोई किसी भी कास्ट का है। तो आप इस तरह से कास्टिज्म खत्म हो रहा था, और कहीं ना कहीं उस टाइम हिंदुइज्म में कास्टिज्म बहुत ज्यादा हुआ करता था, बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हुआ करता था। लोग बर्दाश्त नहीं करते थे कि दूसरी कास्ट का बंदा हमारे साथ आ रहा है, लोअर कास्ट का बंदा आ रहा है। तो इस बात से भी बहुत नाराज थे। इस वजह से यहाँ पर अब रिवोल्ट की बारी उठ रही थी 1857 की। अब यहां पर कॉमन आदमी और राजा प्रिंस एक साथ उठ जाएंगे और बहादुर शाह को अपना राजा मान लेंगे। अब इसकी कहानी हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में। ये होता है वीडियो का एंड। अब कहानी में अब ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड कैसे होगा 1857 के रिवोल्ट के बाद। अब यहां पर होती है हमारी वीडियो का एंड। मैं यहां पर एक बात और कहूंगा, देखिए ये अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन कोर्स है, मतलब अगर आप सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 रुपया देना है, वो भी सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो कि आप डेबिट कार्ड यूज करके लगेगी आपकी। बाकी आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ की तैयारी फ्री में कर सकते हैं 1 महीने के लिए, जिस दिन से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो वहां पर आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वो है टॉप विथ प्लस, और आपका सब्सक्रिप्शन कोड आपके पास हो जाएगा। अब इसमें एक बात यह है कि जैसे आप 1200 रुपये का जब आप जाएंगे तो आपको 1 मंथ का सिलेक्ट करना है, उस 1 मंथ की कॉस्ट होगी 1200। 1200 में जब ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कूपन, कूपन में जाके आपको डालना है टॉप विद प्लस, और ये जो 1200 रुपये हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे 0 रुपीज में। फिर आपको सिर्फ डेबिट कार्ड से पे करना है, और पे में आपकी सिर्फ 1 रुपी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कटेगी, और आप सीडीएस का प्लस कोर्स ले सकते हैं। कहानी होती है यहाँ पर खत्म। 2 किताबें हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं मगर मेरी वीडियो रोज ही देख रहे हैं। इन 2 किताबों का नाम है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, एंड दूसरी किताब का नाम है द अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। कहानी इन दोनों किताब में इस तरह से है कि ये किताब आपको अवेयर कराती है आपकी गलतियों के बारे में, और एक जो सक्सेसफुली इंसान बनने के लिए तैयारी की जरूरत होती है उस बारे में बात करती है। ये किताब लिखी गई थी 1986 में। कहानी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें से कई लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि हम कुछ कर सकते हैं, ये उस बारे में बात करता है। फिर सेल्फ कंट्रोल की, कई चीजें ऐसी होती हैं हम पर्सनल इंटरव्यू में अपने आप ही बोलते चले जाते हैं, तो अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं, और हार्ड टाइम में मोटिवेट कैसे करते हैं, जैसे एक ओएल की होती है लाइवलीनेस, उसकी बात यहाँ करते जाते हैं। फिर सेल्फ एक्सपेक्टेंसी, सेल्फ इमेज, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, एंड आखिर में सेल्फ प्रोजेक्शन, की आपने जो अब ये सब सीखा है इसको प्रोजेक्ट कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में, वो बात करते हैं। तो अगर आप इसे नोटिस करें पूरी कहानी को, तो ये फैक्टर 2 को छोड़ के बाकी सब बता देता है आपको।
जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर एक्सप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस ज्यादा आता है। और जब हम आगे चलते हैं सेल्फ मोटिवेशन वाले या सेल्फ एक्सपेंडिचर, सेल्फ इमेज में, तो आपके सारे फैक्टर ये वाले आ जाते हैं। एंड लास्ट में बचता है डिटरमिन करेज एंड स्टैमिना, वो आपका प्रोजेक्शन वाले में और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ तक की कहानी हमारी इस किताब की। आगे चलते हैं अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। ये किताब आपको सेक्स प्लस रोमांस प्लस एसएसबी में सारे जितनी भी पार्ट होते हैं, टैट, वैट, एसआरटी, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है अपनी लाइफ के थ्रू। कट, अगली किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इस किताब में टैट, वैट, एसआरटी, GTO, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है थ्रू हिज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। और उसमें ये अपनी लव लाइफ, सेक्स लाइफ प्लस रोमांस प्लस एडवेंचर, इन सब की बात करता है, जिससे ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये नॉवल की तरह पढ़ सकते हो एक सेटिंग में। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज होगा तो हैशटैग वाचने करके मुझे बताइए और फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।